अस्सलाम वालेकुम, मैं जोया मलिक और आप देख रहे हैं क्योंकि जमहूरियत है। आज के शो में ये सब कुछ आप देख सकेंगे। सीएम उसकी सारी चाबियां तुरेज लाई साहब को दे दें। जी साईं, दे देता हूं जी। कप्तान, हमने जानबूझकर पेट्रोल कहा है। बात करते हो क्या? बात करते हो मौलाना? लगता है हुकूमत सीधी उंगलियों से नहीं निकलेगी। ठीक कहा खाद में आला, ये अकेला है और हम दो, हो सकता है ये डर के इस्तीफा दे दे। कितने बागी थे सरदार? 24 बागी थे। 24 बागे। सरदार 24 नहीं, अब 28 हो गए। सरदार 28 नहीं, 33 हो गए। सरदार 40 हो गए। खान साहब, कोई गैर मुल्की सफीर आपसे मिलने आया, बाहर आपका इंतजार कर रहा है। ओए शेखो, मैं इस कुर्सी से नहीं उठूंगा। तुम ऐसा करो कि मुझे कुर्सी समेत उठा के बाहर ले जाओ। चले ठीक है, आओ जी खड़क साहब। हजरत खान साहब ने जिंदगी में पहली मर्तबा सच बोला है या फिर सच इनके मुंह से निकल गया है? हजरत कप्तान, जिस हुकूमत में हम नहीं हैं, वो हुकूमत कैसे कामयाब हो सकती है? वैसे मौलाना साहब, ये तो बताइए कि ये हक और सच की हुकूमत कौन सी होती है? ये तो बहुत आसान है, जिस हुकूमत के साथ हम हों वो हुकूमत हमेशा हक पर होती है। आलो सुन लो, और ये सबसे पहले मियां नवाज शरीफ के साथ थे, वहां से जंप करके पीपल्स पार्टी के साथ मिल गए। देखे जी, आपका जमीर ठीक नहीं है, वो गद्दार हो चुका है। आप अपने जमीर की ना सुने, शेख की सुने। देखो उसको, कहो वापिस आ जाए, मैं उसे कुछ नहीं कहूंगा, माफ कर दूंगा। और देखे जी, खान साहब कह रहे हैं वापस आ जाए, किसी को कुछ नहीं कहा जाएगा। देखें, गलतियां इंसानों से हो जाती हैं, वो आपको माफ कर देंगे। और देखें जी, गलती तो हमसे तब हुई थी जब हमने पीटीआई में और जहां तक वापसी का सवाल है तो हमने वापस नहीं आना, और हम यहां बड़े खुश हैं, अल्लाह का शुक्र है। मैं केड़े पासे जावां, मैं हुकूमत किवें बचावां, मेंबर अपने बागी हो गए, इन्हां नूं किंज समझावां, सिंध हाउस विच डेरा ला के सानू देन सजावां, मैं केड़े पासे जावां, मैं हुकूमत किवें बचावां, मैं केड़े पासे जावां, मैं हुकूमत किवें बचावां। चंद दिन पहले इमरान खान साहब ये दुआ कर रहे थे कि मेरे खिलाफ अदम एतमाद आ जाए, अब जब दुआ कबूल हो गई है तो कह रहे हैं कि ये आलमी साजिश है। असल में ना गलती खुद खान साहब की है, उन्हें चाहिए था कि वो खाली ये दुआ ना करते कि मेरे खिलाफ अदम एतमाद आ जाए, बल्कि वो ये दुआ भी करते कि मेरे खिलाफ आया जाने वाला अदम एतमाद नाकाम भी हो जाए। नाज़रीन आइए देखते हैं एक मजेदार सा सेगमेंट।
आह बुजदार, आपने अपना सारा सामान तय कर लिया ना? जी साईं। आह तो ठीक है, सीएमओ उसकी सारी चाबियां परवेज लाई साहब को दे दें। जी साईं, दे देता हूँ जी। साहब आपको वजारत आला बहुत बहुत मुबारक हो, आज से आप पंजाब के वजीर आला हैं। अबू जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अल्लाह के फजल करम से मुझे पंजाब की वजारत आला के काबल समझा जी। परवेज लाई साहब, जाने से पहले मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ ताकि मेरे जाने के बाद आपको कोई परेशानी ना हो जी। साईं वो वॉशरूम का नलका ख़राब हो गया, साईं वो ठीक करवा लेना। वो कैसे ख़राब हुआ है? साईं वो एक दिन मैं वॉशरूम के नलके से वो बारों में पानी भर रहा था, वो अचानक पानी आना बंद हो गया। साईं वो नलके को मैंने काफ़ी दफ़ा हाथ मारा लेकिन पानी नहीं आया। फिर? साईं फिर मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने नलके को हथौड़ों से मारा, सर पानी तो नहीं आया लेकिन नलका टूट गया। ओए बुजदार, हो सकता है टैंकी खाली हो। जी साईं, वो तो बाहर में पता चला कि टैंकी खाली थी। चलो कोई बात नहीं, मैं मोटर चलाकर टैंकी भर लूंगा। साईं वो मोटर कैसे चलाएंगे, मोटर तो खराब है। साईं क्या वो कैसे खराब हो गई? साईं वो टैंकी भरने के लिए जब मैंने मोटर चलाई तो मोटर चली नहीं। साईं मुझे लगा कि मोटर ख़राब है। साईं वो मैंने मोटर ठीक करने के लिए मोटर का पुर्जा कर दिया। साईं वो बाद में मुझे समझ ही नहीं लगी कि वो उसको वापस कैसे जोड़ना है। चलो कोई बात नहीं, मैं नई मोटर लगवा लूँगा। साईं वो नई मोटर भी नहीं चलनी। पर अब वो क्यों? क्योंकि साईं मोटर तो पहले वाली भी ठीक थी। साईं वो असल में जिस बिजली के बोर्ड में स्विच लगता है ना, साईं वो बोर्ड ही ख़राब था। खान साहब, अब उस्तार साहब की बातें सुन सुन के अब मेरा तो गला खुश्क हो गया है, मैं ठंडा पानी मंगवाता हूँ। साईं ठंडा पानी भी नहीं होगा क्योंकि फ्रिज भी ख़राब है। अब ये फ्रिज कैसे ख़राब हो गई है? साईं वो गर्मी बहुत लग रही थी, मैंने फ्रिज के दोनों दरवाजे खोल दिए ताकि फ्रिज की ठंडक जो है पूरे घर में फैल जाए। साईं वो तो मुझे बाहर में पता चला कि इस तरह तो फ्रिज की सारी गैस जाया हो जाती है। ओ बुजदार साहब, गर्मी लग रही थी तो आप सीएमओ उसके एसी चला लेते। साईं वो कैसे चलाता? साईं वो एसी भी खराब है। ओ बुजदार साहब, वजीर आला उसकी कोई चीज ठीक भी छोड़ी आपने या नहीं? साईं वजीर आला हाउस में सिर्फ एक चीज ठीक है। वो कौन सी? वो मैं हूँ साईं। अल्लाह के फजलो करम से आप भी ठीक नहीं हैं, अगर आप ठीक होते तो हर शय ठीक होनी थी। खैर कोई बात नहीं, आप ठीक हो जाएंगे। आपकी वजीर आला हाउस से रुखसती का टाइम हो गया। ठीक है खान साहब, मैं फिर चलता हूँ। खान साहब मेरे से अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। खबर है कि डॉलर की एक और तारीखी बुलंदी, डॉलर 184.40 रुपए का हो गया। मतलब पीटीआई हुकूमत में तीन चीजों में इजाफा हुआ है, डॉलर, महंगाई और ऑपोजिशन के नंबर्स। मतलब पहले हुकूमत कहती थी कि ऑपोजिशन अपने 172 नंबर
पूरे करे, और अब हुकूमत है जिसके 172 नंबर पूरे ही नहीं हो रहे। हुकूमती वुज़रा ये कहते थे कि अपोजिशन के बंदे भी हमारे पास हैं। अब अपोजिशन तो हुकूमत के बंदे दिखा चुकी है, लगता है कि हुकूमत अपोजिशन के बंदे तहरीक अदम एतमाद के बाद ही दिखाएगी। तो आइए नाज़रीन देखते हैं एक मजेदार सा सेगमेंट। बेड़ा गर्क हो उन अपोजिशन वालों का, उनके जलसे वाले दिन बारिश हो जाए। हमारे खान साहब को टेंशन दे देकर बीमार कर दिया है। और देखे जी, खान साहब ने टेंशन दे देकर नवाज शरीफ साहब को बीमार किया था। अब पीडीएम वाले इनको टेंशन दे देकर अपना बदला निकाल रहे हैं। और शेख रशीद, ओए नवाज शरीफ तो बुढ़ापे की वजह से बीमार हो गया था। तो खान साहब, आपके कौन से अभी दूध के दांत टूटे हैं? हाँ सर, मैं तो कहता हूँ ऑपरेशन पर मुकदमा दर्ज करवाएं, वो हमारे लोटे उठाकर ले गए हैं। क्या मुकदमा दर्ज करवाएं? जिनके लोटे थे वो वापस ले गए। ओह खटक साहब, ओह शेख साहब, आप दोनों मुझे अपोजिशन से ज्यादा टेंशन दे रहे हो। और तुम दोनों बाहर जाओ, मैं थोड़ी देर सोना चाहता हूँ। हाँ सर, सिर्फ एक हफ्ता ठहर दे, फिर बेशक सारा सारा दिन सोते रहे। हम आपको सुकून से सोने देंगे ना जागने देंगे। ओए ये तो मौलाना की आवाज है, ये आवाज, लेकिन सिर्फ आवाज क्यों आ रही है, तस्वीर क्यों नहीं आ रही? कहते हो क्या बात करते हो जानी कप्तान, हमने तुम्हें क्लीन बोर्ड कर दिया है। वो देखो अंपायर की उंगली। ओ खादमे अल्लाह की आवाज, ये हो क्या रहा है? कुर्सी के साथ साथ ये लोग मेरे कमरे पर भी कब्जा करना चाहते हैं। हज़रते वज़ीर आज़म, 73 के आइन के तनाज़ुर में कल परसों तक आप साबिक वज़ीर आज़म हो जाएंगे। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो, फिर होगी नैब की हवाला और अदालत में पेशियों पर पेशियां। हज़रत कप्तान, फिर सिलाई मशीनों से लेकर हेलीकॉप्टर के पेट्रोल तक आपको हर चीज का हिसाब देना पड़ेगा। मौलाना आप गलती कर गए हैं, हेलीकॉप्टर में पेट्रोल है। हज़रत कप्तान, हमने जानबूझकर पेट्रोल कहा है। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो मौलाना, लगता है हुकूमत सीधी उंगलियों से नहीं निकलेगी। ठीक कहा हज़रत खादमे आला, ये अकेला है और हम दो, हो सकता है ये डर के ही इस्तीफा दे दे। तुमने हमसे बंगला नंबर 22 छीना, हम तुम्हारा सुकून छीन लेंगे। क्या बात करते हो, क्या बात करते हो, तुमने 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 मेरे पाजी को टेंशन दे कर कई बीमारियां लगवा दी। अब मैं तुम्हें टेंशन दे देकर गंजा करूंगा। ओ शेखो, ओ खटक, शेखो खटक बचाओ। खासत खासत, किसने डराया आपको? वो बत्ती तो जलाओ। खान साहब, आपने तो कहा था घबराना नहीं है, आप खुद घबरा गए हैं। खान साहब, प्रोग्राम में वक्त हुआ है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। कितने बागी थे सरदार,
24 बागी थे। 24 बागे। सरदार 24 नहीं अब 28 हो गए। सरदार 28 नहीं 33 हो गए। सरदार 40 हो गए। खान साहब कोई गैर मुल्की सफीर आपसे मिलने आया है, बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। ओए शेखो मैं इस कुर्सी से नहीं उठूंगा, तुम ऐसा करो कि मुझे कुर्सी समेत उठा के बाहर ले जाओ। चले ठीक है, आओ जी खड़क साहब। हजरत खान साहब ने जिंदगी में पहली मर्तबा सच बोला है या फिर सच इनके मुंह से निकल गया है। हजरत कप्तान जिस हकूमत में हम नहीं हैं वो हकूमत कैसे कामयाब हो सकती है। वैसे मौलाना साहब ये तो बताइए कि ये हक और सच की हकूमत कौन सी होती है। ये तो बहुत आसान है, जिस हकूमत के साथ हम हों वो हकूमत हमेशा हक पर होती है। आलो सुन लो, और ये सबसे पहले मियां नवाज शरीफ के साथ थे, वहां से जंप करके पीपल्स पार्टी के साथ मिल गए। देखे जी आपका जमीर ठीक नहीं है, वो गद्दार हो चुका है। आप अपने जमीर की ना सुने, शेख की सुने। देखो उसको कहो वापिस आ जाए, मैं उसे कुछ नहीं कहूंगा, माफ कर दूंगा। और देखे जी खान साहब कह रहे हैं वापस आ जाए, किसी को कुछ नहीं कहा जाएगा। देखें गलतियां इंसानों से हो जाती हैं, वो आपको माफ कर देंगे। और देखें जी गलती तो हमसे तब हुई थी जब हमने पीटीआई और जहां तक वापसी का सवाल है तो हमने वापस नहीं आना और हम यहां बड़े खुश हैं, अल्लाह का शुक्र है। मैं केड़े पासे जावा, मैं हुकूमत किवें बचावा, मेंबर अपने बागी हो गए एना नु किंज समझावा, सिंध हाउस विच डेरा ला के सानू देन सजावा, मैं केड़े पासे जावा, मैं हुकूमत किवें बचावा, मैं केड़े पासे जावा, मैं हुकूमत किवें बचावा। शेख रशीद साहब ने कहा है कि इमरान खान को हटाने के लिए आलमी सरमायाकारी हुई है, भाई फिर तो हुकूमत को खुश होना चाहिए क्योंकि पिछले 3.5 साल से खान साहब यही कोशिश तो कर रहे थे कि बाहर के मुल्क पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। शेख साहब ने साथ में ये भी कहा है कि वजीर आजम अगर पैसों के 2-4 ट्रक मुझे भी दे देते तो बात यहाँ तक ना पहुँचती। शेख साहब अब आपका क्या पता, क्या वजीर आजम साहब से 2-4 ट्रक लेकर 1 रुपया भी किसी और को ना दें? भाई शेख जो है। आइए देखते हैं एक खूबसूरत सा रंगीन सा सेगमेंट। कितने बागी थे? सरदार 24 बागी थे। 24 बागे। सरदार 24 नहीं अब 28 हो गए। सरदार 28 नहीं 33 हो गए। सरदार 40 हो गए। सरदार 50 हो गए।
मफाद में ऑपोजिशन का साथ देने का फैसला कर लिया। वैसे एमक्यूएम की वाहे जमात है जिसने अपने मफाद में आज तक फैसला नहीं किया, जब भी किया है मुल्की मफाद में ही तो किया है। आज एमक्यूएम ने मुल्की मफाद में ऑपोजिशन का साथ देने का फैसला किया है, लेकिन मैं यकीन से ये बात कह सकती हूँ कि अगर एमक्यूएम ने हकूमत का साथ देने का फैसला किया होता तो वो भी मुल्की मफाद में ही किया होता। देखते हैं यहाँ एक मजेदार सा इंटरेस्टिंग सा सेगमेंट। खान साहब, डाइनिंग टेबल पर आपका नाश्ता लगा दिया है, आखिर नाश्ता कर लें। खटक साहब ने आज अपने हाथों से आपका नाश्ता बनाया, बाहर आके नाश्ता कर लें। ओह खटक, मैं इस कुर्सी से नहीं उठूंगा, तुम यही मेरा नाश्ता ले आओ। लेकिन खान साहब, मैंने कहा ना मैं इस कुर्सी से नहीं उठूंगा, मैं यहीं बैठ के नाश्ता करूंगा। चले ठीक है, यहीं ले आते हैं। चले खटक साहब। राणा साहब, ये बंदा तो गुस्से से उठने के लिए तैयार ही नहीं। खान साहब, कोई गैर मुल्की सफीर आपसे मिलने आया है, बाहर आपका इंतजार कर रहा है। ओए शेखो, मैं इस कुर्सी से नहीं उठूंगा, तुम ऐसा करो कि मुझे कुर्सी समेत उठा के बाहर ले जाओ। चले ठीक है, आओ जी खटक साहब। अंदर आकर बेड पर आराम से लेट जाएं। आए खान साहब। ओए, और मैं इस कुर्सी से नहीं उठूंगा, मैं यहीं पे सोऊंगा, तुम चले जाओ यहां से। चले ठीक है खान साहब। वराना साहब, ये बंदा तो कुर्सी से उठने का नाम ही नहीं ले रहा, फिर दोबारा सो गया। सौते ग्रामी, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आप देखिएगा मैं इसको कैसे कुर्सी से उठाता हूँ। ये ले खान साहब, आपका जूस। शुक्रिया, थैंक यू खटक। खटक साहब, ये खान साहब का जूस नहीं है, ये मैंगो का जूस है। वो इस लिहाज से तो ये वजीर आजम की कुर्सी भी नहीं है, ये कुर्सी तो लकड़ी की है। ओए, ये मेरी कुर्सी है और मैं इस कुर्सी से नहीं उठूंगा। हजरत जेली वजीर आजम, आप एक मरतबा जूस तो पिए, फिर देखता हूँ आप कुर्सी से कैसे नहीं उठते। खान साहब, आप आराम से जूस नोश फरमाएं, हम जाते हैं। चले खटक साहब। मेरा पेट क्यों दर्द कर रहा है? लगता है मुझे वॉशरूम जाना पड़ेगा, लेकिन मैं इस कुर्सी से नहीं उठूंगा। मैं मजीद नहीं बैठ सकता।
जहाँ मुल्क के मफाद में हमने एक सेगमेंट देखा, वहीं चैनल के मफाद में एक ब्रेक लेते हैं। हजरत खान साहब ने जिंदगी में पहली मर्तबा सच बोला है या फिर सच इनके मुंह से निकल गया है? हजरत कप्तान, जिस हकूमत में हम नहीं हैं, वो हकूमत कैसे कामयाब हो सकती है? वैसे मौलाना साहब, ये तो बताइए कि ये हक और सच की हकूमत कौन सी होती है? ये तो बहुत आसान है, जिस हकूमत के साथ हम हों, वो हकूमत हमेशा हक पर होती है। आला सुन लो, और ये सबसे पहले मियां नवाज शरीफ के साथ थे, वहां से जंप करके पीपल्स पार्टी के साथ मिल गए। और देखे जी, आपका जमीर ठीक नहीं है, वो गद्दार हो चुका है। आप अपने जमीर की ना सुने, शेख की सुने। ओए देखो उसको, कहो वापिस आ जाए, मैं उसे कुछ नहीं कहूंगा, माफ कर दूंगा। और देखे जी, खान साहब कह रहे हैं वापस आ जाए, किसी को कुछ नहीं कहा जाएगा। देखें, गलतियां इंसानों से हो जाती हैं, तो आपको माफ कर देंगे। और देखें जी, गलती तो हमसे तब हुई थी जब हमने पीटीआई और जहां तक वापसी का सवाल है, तो हमने वापस नहीं आना, और हम यहां बड़े खुश हैं, अल्लाह का शुक्र है। मैं केड़े पासे जावा, मैं हुकूमत की में बचावा, मेंबर अपने बागी हो गए, एना नु किंज समझावा, सिंध हाउस विच डेरा लाके सानू देन सजावा, मैं केड़े पासे जावा, मैं हुकूमत किवें बचावा, मैं केड़े पासे जावा, मैं हुकूमत किवें बचावा। सरदार उस्मान बुज़ार के इस्तीफे के बाद परवेज़ इलाही सीएम पंजाब होंगे या कोई और? कंफ्यूजन इतनी ज्यादा है कि पंजाब इंतजामिया खुद परेशान है। सीएम पंजाब की तस्वीर की जगह रमजान बाजार में किसकी फोटो लगाई जाए? भाई मैं तो कहती हूँ कि अगर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो वजीर आला की तस्वीर की जगह सवालिया निशान डाल दे। तो आइए नाज़रीन देखते हैं अगला सेगमेंट। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट हिफ्ज़ा ताहिर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम घबराना नहीं। नाज़रीन, खान साहब कई सालों से अवाम को कह रहे हैं कि घबराना नहीं, और अब खुद इतना घबरा गए हैं कि देखें क्या कह रहे हैं। देखें, 73 के आइन के तनाजुर में हजरत कप्तान इस कदर घबरा गए हैं कि खुद को शीशे के सामने खड़ा करके कहते हैं, अबे तू कौन है? ओए मौलाना, ओए मेरी बोगियां जोड़ के, ये जो तूने अदम-ए-एतमाद की ट्रेन बनाई है ना, मैं इस ट्रेन को इस्लामाबाद पहुंचने से पहले ही उल्टा दूंगा। हजरत कप्तान, अब ट्रेन नहीं, आपकी हुकूमत उल्टेगी, और ऐसे उल्टाएंगे जैसे शरारती बच्चे सोए हुए बाबे की मंजी उल्टा देते हैं। ये तो गलत बात है मौलाना साहब, इस तरह तो बाबा जी, मेरा मतलब है कि खान साहब को चोट भी लग सकती है ना। हजराते हो साहिबा, खान साहब ने भी तो हमारे मोहतरम नवाज शरीफ साहब को ऐसी ऐसी चोटें पहुंचाई हैं, वो 4 साल से जगह जगह टकोर कर रहे हैं। ओए मौलाना, मैं अब भी तुझे ऐसी चोट पहुंचाऊंगा, तुझे ईंट गरम कर कर के टकोर करना पड़ेगी, और मेरे पास तुरप का पत्ता है। हजरत कप्तान, अब आपके पास तुरप का पत्ता नहीं, तड़प का पत्ता है, और हम आपको ऐसे तड़पाएंगे, ऐसे तड़पाएंगे जैसे बगैर पानी के मछली तड़पती है। एक मिनट मौलाना साहब, खान साहब से पूछने तो दें कि उनके पास तुरप का पत्ता कौन सा है। रहने दीजिए हजरते हो साहिबा, इनके पत्ते तो ऐसे बिखर गए हैं जैसे ताश खेलते हुए पुलिस का छापा पड़ जाए तो पत्तों का हाल होता है। आपने भी तो हुकूमत के बंदे ऐसे इकट्ठे किए हैं जैसे कि शादियों में लोग नोट इकट्ठे करते हैं। वैसे खान साहब, अगर आपकी तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई तो? ओह, बंदे का मुंह अच्छा हो तो बात भी अच्छी करनी चाहिए। ओए, मैंने आज तक अपनी हुकूमत नहीं कामयाब होने दी, तो अदम एतमाद कैसे कामयाब होने दूंगा? मेरा मतलब।
हजरत खान साहब ने जिंदगी में पहली मर्तबा सच बोला है या फिर सच इनके मुंह से निकल गया है। हजरत कप्तान, जिस हकूमत में हम नहीं हैं वो हकूमत कैसे कामयाब हो सकती है? वैसे मौलाना साहब, ये तो बताइए कि ये हक और सच की हकूमत कौन सी होती है? ये तो बहुत आसान है, जिस हकूमत के साथ हम हों वो हकूमत हमेशा हक पर होती है। आलो सुन लो, ये सबसे पहले मियां नवाज शरीफ के साथ थे, वहां से जंप करके पीपल्स पार्टी के साथ मिल गए और अब ये फिर से जंप लगा के मियां नवाज शरीफ की गोद में बैठे हुए हैं। हजरत कप्तान, अपना मुंह बैलेंस कीजिए। अगर हम मोहतरम नवाज शरीफ साहब की गोद में बैठे होते तब तो फिर उनका वो हाल होना था जो गन्ने का मशीन से निकलने के बाद होता है। लेकिन अब तो मैं तुम सबका वो हाल करूंगा जो टमाटरों का ट्रक उलटने के बाद टमाटरों का होता है। ये गीदड़ भवकियां किसी और को दिखाइए, हम टमाटर ट्रक की बजाय जहाज पर ले आएंगे। जहांगीर तरीन का जहाज या अलीम खान का? वैसे मौलाना साहब, आपने ठीक नहीं किया, उनके मेम्बरान के साथ साथ आपने उनके जहाज भी पीडीएम के एयरपोर्ट पे लैंड करवा दिए। ओए मौलाना सुनो, जितने मर्जी जहाज मंगवा लो, जितने मर्जी मेंबर तोड़ लो, मैं ऐसा कार्ड खेलूंगा तुम सबके जहाज क्रैश कर जाएंगे। अरे खान साहब, ये तो कोई एटीएम कार्ड लग रहा है। मौलाना साहब, आप तो कह रहे थे कि खान साहब के एटीएम आप उखाड़ के ले गए हैं। ओए ओए, ये एटीएम कार्ड नहीं है, ये ऐसा कार्ड है कि जिसे देखते ही सारी अपोजिशन ऐसे तड़पेगी जैसे किसी की उंगली दरवाजे में आ जाए तो तड़पता। खान साहब, हमें भी तो दिखाएं कि 73 के आईन के तनाजुर में ये कौन सा कार्ड है जो अभी तक हमारे पास नहीं पहुंचा। ओए ओए मौलाना, ओए ये मेरा कार्ड वापस करो, और यही तो मेरे पास सारी कार्ड रह गया। ये तो सेहत कार्ड है। इसका मतलब है कि खान साहब तहरीके अदम इत्माद के बाद फौरन अस्पताल जाने की तैयारी कर रहे हैं। जाहिर है, जितनी टेंशन है आपने उनको दिया ना, मियां नवाज शरीफ से आधी बीमारियां तो उनको लग ही चुकी होंगी। साबिक वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़ार साहब ने कहा है कि वजारतें और ओहदे आने जाने वाली चीजें हैं, लेकिन बुज़ार साहब, हमें तो लगता है कि खान साहब की नजर में ओहदे और वजारतें नहीं बल्कि आप आने जाने वाली चीजें हैं। क्योंकि जिस तरह से खान साहब ने आपकी कुर्बानी दी है ना, उससे तो यही लगता है कि ओहदा बचाओ बुज़ार तो और भी मिल जाएंगे। बुज़ार साहब ने ये भी कहा है कि ओहदे की कभी तमन्ना नहीं रही। बुज़ार साहब, आपकी पंजाब में 3.5 साल कारकर्दगी देखकर यही लगता है कि आपको ओहदे की तमन्ना कभी भी नहीं थी। खान साहब ने तो आपको जबरदस्ती में ओहदे पर बैठाया हुआ था। तो आइए नाजरीन, देखते हैं मुल्की मफाद में एक सेगमेंट। देखे जी खान साहब, बागी और अकीन सिंध हाउस में ऐसे जाकर बैठ गए हैं जैसे बीवी मेके रूट कर बैठ जाती है। शेख साहब, आपको कैसे तजर्बा? आपकी तो अभी शादी नहीं हुई। ओह देखें, ये सोचें कि बागी रकीन को वापस कैसे लाना है। खान साहब, मैं तो कहता हूँ सिंध हाउस की बिजली बंद कर दें। जब बागी अरकान को गर्मी लगेगी तो वो बाहर निकलेंगे, जैसे ही वो बाहर निकलेंगे हम उनको पकड़ लेंगे। ओह खटक साहब, उन्होंने जनरेटर ऑन कर लिया तो? ओहो, मैंने तो सोचा ही नहीं। देखे जी खान साहब, मैं तो कहता हूँ कि सिंध हाउस में सांप छोड़ देते हैं, बागी अरकान सारे एकदम बाहर निकलेंगे। और लेकिन शेख साहब, हम इतने सांप कहां से लाएंगे? खान साहब, 3-4 सांप तो लूडो में से निकल आएंगे। ओ खटक साहब, मुझे तो लगता है आप भी लूडो से निकले। ओए कुछ भी करो, बागी अरकान को वापस लेके आओ, कुछ भी करो, बागी अरकान को सिंध हाउस से बाहर निकालो। और शेखो, जो भी करना है जल्दी करो, लेकिन उनको वापस लाओ। आ,
हेलो हेलो जी, बागीर खान स्पीकिंग। देखें जी, मैं शेख रशीद बात कर रहा हूँ। आपके मतलूबा नंबर से फिलहाल आप तक मुमकिन नहीं है, बड़ा कोशिश मत कीजिए। ओह, क्या हुआ? देखें जी, मेरा फोन काट दिया। शेखू, दोबारा ट्राई करो। देखें जी, एक मरतबा मेरी बात तो सुन ले। जी फरमाए। देखें जी, मैं हुकूमत की तरफ से आपको एक ऑफर देता हूँ। देखें, जितने पैसे आपको अपोजिशन दे रही है, हम आपको उससे 100-200 ज्यादा दे देते हैं, आप वापस आ जाए। देखो, मैं एक रुपया भी नहीं दूंगा। देखें जी खान साहब, हम कौन सा दे रहे हैं, मैंने सिर्फ बात की है। देखें, अल्लाह के फजल करम से हमने देखे जी, आपका जमीर ठीक नहीं है, वो गद्दार हो चुका है। आप अपने जमीर की ना सुने, शेख की सुने। देखो, उसको कहो वापिस आ जाए, मैं उसे कुछ नहीं कहूंगा, माफ कर दूंगा। देखे जी खान साहब कह रहे हैं वापस आ जाए, किसी को कुछ नहीं कहा जाएगा। देखे, गलतियां इंसानों से हो जाती है, वो आपको माफ कर देंगे। और देखे जी, गलती तो हमसे तब हुई थी जब हमने पीटीआई, और जहां तक वापसी का सवाल है तो हमने वापस नहीं आना, और हम यहाँ बड़े खुश हैं, अल्लाह का शुक्र है। बड़ा ख्याल रखा जा रहा है यहाँ, बड़ा महाराज जी। हाँ, किसी चीज की कोई कमी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। देखें जी खान साहब, वो नहीं मान रहा। ओह, फोन मुझे दो। देखो सुनो, मैं तुम सब भागियों को आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, तुम सब फौरन सिंधु से बाहर निकलो, वरना तुम सबको सिंधु से बाहर निकालने के मेरे पास और बहुत सारे तरीके हैं। हाँ सब, ये बाहर को खत दे कर गया। खटक साहब, देखिए किसका खत है, पढ़े। खटक साहब, क्या हुआ है? खान साहब, जल्दी यहाँ से बाहर निकले, जल्दी यहाँ से बाहर निकले। लेकिन हुआ क्या है? बताता हूँ, जल्दी से निकले बाहर, आ जाए जल्दी से, जल्दी निकले, निकले, आ जाए जल्दी निकले। चलो जल्दी। ओ खटक साहब, अब तो बताए हुआ क्या है? खान साहब, इस खत में थ्रेट आया है, पीएम हाउस में बम लगा है। हेलो, खान साहब डर गए, खान साहब डर गए। देखे, आप तो हमें सिंधा हाउस से निकाल सके, हमने छोटा सा मजाक करके आपको पीएम हाउस से निकाल दिया। प्रोग्राम में वक्त हुआ है छोटे से मुख्तसर से ब्रेक का, आप कहीं नहीं जाएंगे। मैं केड़े पासे जावा, मैं हुकूमत किवें बचावा, मेंबर अपने बागी हो गए, एना नु किंज समझावा, सिंध हाउस विच डेरा ला के सानू देन सजावा। मैं केड़े पासे जावा, मैं हुकूमत किवें बचावा, मैं केड़े पासे जावा, मैं हुकूमत किवें बचावा।